टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आलू और मटर का पुलाव, वो भी कुकर में। जल्दी से कैसे बनाएं? ये देखिए, मैंने बासमती चावल ले लिया है और इसको हम अच्छे से दो तीन बार बिना मसले, बहुत हमें ऐसे ऐसे मसलना नहीं है, धोएंगे। इसको हम ऐसे धोएंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल बिना मसले इसको। और ये हमने लिया है एक कप चावल, आपने देखा है ना, मेजरिंग कप से एक कप लिया है। बहुत हल्के हाथ से, देखिए पानी धुंधला हो गया, जब तक पानी क्लियर ना हो तब तक हम इसको धो लेंगे। तो ये देखिए, हमने तीन चार बार अच्छे से इसको धो लिया है। अब मैंने इसका पानी जो है वो सारा निकाल दिया है। अब इसमें मैं जो जितना पानी पुलाव में डालूंगी उतने में ही मैं इसको भिगोंगी। तो यानी मैंने एक कप पानी, एक कप चावल में मैं पौने दो कप पानी, यानी दो कप से थोड़ा सा कम पानी लूंगी, बिल्कुल इतना कम, बस बहुत ही थोड़ा सा कम, बिल्कुल किनारे तक आ जाए, यानी पौने दो कप पानी मैंने इसमें ले लिया है। और चावल को मैं इसी में भीगने दूंगी। एक आलू मैंने छील लिया है, ये देखिए अच्छे से एक बड़ा आलू ले लिया है, इसके भी मैं पीसेस करके इसी पानी में डाल दूंगी। मैंने अपनी मम्मी से ये पुलाव सीखे थे बनाने और मुझे लगता था कि ऐसा क्या ज़रूरी है इसी में पानी में भिगोना, इसी में आलू डालना। हमने अलग बनाकर देखा तो वो टेस्ट नहीं आया, तो मैंने सोचा आपसे भी ये शेयर करती हूँ। तो अब हम इसको पूरा आधा घंटा, 30 से 40 मिनट भीगा रहने देंगे, तब तक हम चावल के छोंक की तैयारी करेंगे। तो ये तो हमारा भीगा हुआ है चावल, और तब तक हमने तैयारी कर ली है। एक कप ये फ्रेश मटर लिए हैं जिनको अच्छे से धो लिया है। एक प्याज को हमने महीन काट लिया है चॉपर में, और ये दो टमाटर मैंने लिए हैं, ये आपको दिखाऊं, ये भी मैंने इसमें ऐसे कट कर लिए हैं। कितना फाइन कट हो जाता है चॉपर में, बहुत आसान हो जाता है ये काम। तो दो टमाटर कट कर लिए हैं, एक चम्मच जीरा लिया है और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। हल्दी 1/4 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है जो कलर के लिए है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है जो घर का पिसा हुआ है। इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग लगता है। जो मार्केट का मसाला होता है वो रेडिश टोन पे आता है, बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, देसी घी जिसमें पुलाव बनाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डाल रहे हैं हम घी, गैस को कर दिया है हमने ऑन, 2 टेबलस्पून के करीब घी। इसको गर्म होने देते हैं। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच जीरा, इसको तड़कने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ प्याज जो हमने एक लिया है। आप किसी भी चीज की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से चलाएंगे। और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे, मीठा मीठा प्याज का टेस्ट आएगा। प्याज भुन गया है, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं हल्दी और मिर्च, नमक, बस एक ही बार इसको चलाएंगे अच्छे से। और इसमें डाल देंगे हम ये टमाटर, और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और कोई भी खड़ा मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो इसी टाइप से फटाफट पुलाव बनाते हैं, और गरम मसाला है थोड़ा सा तो हम वो इसमें यूज कर रहे हैं। और अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे धीमी आंच पर। ये देखिए, मसाले में घी छूट गया है, आप देख सकते हैं साइड में, यानी अच्छे से पक गया है। और टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से, देखिए मैश हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मैश हो गया। मसाला अच्छा भुना होगा आपका तभी टेस्ट आएगा, नहीं तो वो टमाटर का जो छिलका है
वो कच्चा रह जाता है, फिर वो स्वाद उसमें नहीं आता है। अब हम इसमें डालेंगे ये मटर। मटर भी मैंने 1 कप लिया है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे इसमें सब्जियां पुलाव में जिस भी चीज के का पुलाव बना रहे हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए, वो अच्छी लगती हैं। तो आप कोई भी चीज, अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आप केवल मटर से बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। 1 मिनट अब हम इसको भूनेंगे और फिर हम चावल और पानी डाल देंगे। ये मटर को भी भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये चावल। अगर आधा घंटे से ज्यादा भी आपके चावल भीग जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जल्दी वीडियो दिखाने के चक्कर में थोड़ा मेरा 5 मिनट कम रह गया है भीगना, तो ये आप जरूर भिगोएं चावल। देखिए मिक्स करके कितना अच्छा लग रहा है, यानी जिस पानी को आप नाप रहे हैं उसमें ही आपको चावल भिगोना है और आलू भिगोना है। इससे ये आलू बहुत टेस्टी और सॉफ्ट हो जाता है। और सबसे ऊपर डालेंगे हम ये गरम मसाला। बहुत ही सादा टेस्ट, बहुत ही अच्छा आपको ये लगेगा। मिक्स करेंगे एक बार हल्के हाथ से और कुकर को करेंगे बंद। विसल आने का करेंगे इंतजार। और इस समय हम थोड़ा सा ये पानी लेके इसका टेस्ट करेंगे कि अगर इसमें नमक कम है या ज्यादा है वो हम देख सकेंगे। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। और आपके चावल में कभी भी नमक कम ज्यादा नहीं रहेगा, ये टिप है। यानी अगर आप इसमें इस समय चख लेंगे इस पानी को तो आपका नमक बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। ये देखिए अब हम कुकर को खोल लेते हैं। और ये देखिए पूरा गरम भाप आ रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इधर किया। ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव बनकर तैयार। एक एक दाना खिला है और हल्के हाथ से आप इसको ऐसे टर्न करेंगे। फुल ऑफ वेजीज है, ये देखिए बिल्कुल भी ना नीचे लगा है ना पानी है और बिल्कुल खिला खिला बना है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे, बहुत ही बढ़िया कलर और खाने में बहुत टेस्टी। एक विसल आने के बाद हमने दूसरी विसल आने से पहले ही इसको बंद कर दिया गैस को और फिर अपने आप कुकर को ठंडा होने दिया। और अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं, इसको निकाल के आपको प्लेट में दिखाते हैं। और ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ बना है। और ऐसे ही मैंने इसमें प्लेट में थोड़ा सा निकाल लिया है। ये करीब 3 to 4 सर्विंग के लिए है। कितना अच्छा कलर आया है और मटर भी पर्याप्त मात्रा में दिख रही है, आलू भी दिख रहा है, थोड़ा सा टमाटर का कलर भी लग रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया पुलाव बना है। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी है। रायते के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, घी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।